वहाँ जिस्म बहुत कीमती होते हैं। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, वहाँ इज्जत की बोली सबसे ऊंची लगती है। जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, वहाँ बिनते हवा सरे बाजार तबले की थाप पर नाचती है। और जिस मुआशरे में इंसानों की कोई कीमत नहीं होती, वहाँ भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। यहाँ हवस के पुजारी स्याह रातों में सफेद जिस्मों का जीवन स्याह करते हैं। यहाँ पे नाचते पैरों की थाप बिकती है, यहाँ पे जागती आंखों के ख्वाब बिकते हैं, यहाँ पे फूल से होंठों की प्यास बिकती है, यहाँ पे जिस्म है बिकते शबाब बिकते। आली वकार, भूख दो वक्त की रोटी के एवज बिनते हवा को इब्ने आदम की हवस का निशाना बनने पर मजबूर कर देती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। 14 साल बीर अपनी अस्मत लुटाने के बाद जान से भी हाथ धो बैठती है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। थर की जलती रेत पर नंगे पांव चलने वाली कौम का सदर इस्लामाबाद की सड़कों पर मर्सिडीज में सफर करता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। बलोचिस्तान की खुश्क साली पर एयर कंडीशन कमरों में मिनरल वाटर पी पी कर गौर किया जाता है, लेकिन कहीं कोई कयामत नहीं उतरती। ये शाहराहें इसी वास्ते बनी थीं क्या कि इन पर देश की जनता सिसक सिसक कर मरे। ज़मीने क्या इसी कारण अनाज उगला था कि नस्ले आदम व हव्वा बिलक बिलक कर मरे। मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे। चमन को इसीलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। आली वकार, यह है इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है। सर खुजाने की फुर्सत नहीं, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है। कोई इक्तदार का तालिब है तो कोई शोहरत का भूखा, कोई दौलत का परिस्तार है तो कोई पेट का भूखा, कोई भंग के एक प्याले के एवज अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कह तो रजाल बढ़ता चला जा रहा है, तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम जवाल की आखिरी हदों के भी आखिर पर पहुंच चुके हैं। इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ से एक ही पुकार सुनाई देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। आली वकार, सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं कि जब बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो अपनी कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर बोला था, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब तस्नीम सोलंगी भूखे कुत्तों का नवाला तर बनी तो बोली, पड़े हैं गुंग कटहरे अदालतें चुप हैं। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब मजदूर शाम को खाली हाथ घर लौटा तो अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए बोला, है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि वजीर आजम की खुली कचहरी में खुदसोजी करने वाला शख्स बोला था, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब जागीरदार के दस्तागीर गरीब हारी की बेटी को उठाकर लेके गए थे तो वो बोला था, आवाज दो इंसाफ को इंसाफ कहाँ है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि डमा डोला के बेगौरों कफन लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नवीद दो इंसान को कि इंसान मर गया। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी सरापा सवाल है, जिम्मेदार कौन। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, लाल मस्जिद के शहदा कह रहे हैं, पाक फौज तू जिंदाबाद। और सुनिए अगर आप सुन सकते हैं, जब बेरोजगार बाप ने अपनी 3 जवान बेटियों को मौत के घाट उतारा था तो बोला था, अजब रसम है चारा घरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आली वकार, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। गुर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भूनकर खा जाते हैं, अपने गुर्दे और आंखें बेच डालते हैं, अपनी 8-8 साल बच्चियां दलालों के हवाले कर देते हैं, अपने खानदान के साथ आग में कूद जाते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगे लगा देते हैं, पंखों के साथ लटक जाते हैं, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाते हैं। गुर्बत जुल्म और महंगाई से मजबूर लोग अपने मासूम बच्चों के गले काट देते हैं। आली वकार,
صدارت، وزارت اور عمارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں، کبھی تو چند کھوٹے سکوں کے بس قوم کی بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں، تو کبھی مساجد کا تقدس پامال کرتے ہوئے انہیں لہو رنگ کرتے ہیں، اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناؤں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے؟ علی وقار، اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے، اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائیں، سر سنگیت سب بے ساز ہو جائے، ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی، ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استدعا کرتی ہے خدارا، خدارا اس بوڑھے باپ کا سہارا بن جائیے جس کے بیٹے نے خود سوزی کی، خدارا اس عورت کے آنسو پوئنٹ ڈالیے جس کی بیٹی جاگیردار کی حوث کا نشانہ بنی، اور خدارا ان معصوم بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ان اشعار کے ساتھ ہی موضوع زیر بحث سمیٹتی ہوں۔ ستم ظریفی وقت نے کلیوں کی نزاکت کو، دلوں کی محبت کو اس طرح سے مسئلہ ہے، اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی اذیت ہے اور سانس کی بھی قیمت ہے۔ کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں، کس کا گریباں ہے جو گرفت سے بچا نہیں؟ صدائے موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے، خون کی بو آتی ہے پھولوں اور کلیوں سے۔ شکریہ۔